सूप हमने आज बना लिया है, सूपी नूडल्स, सी फूड मिक्स, सी फूड सूपी नूडल्स। अब इसको ट्राई कर रहे हैं, कैसा बना Perfect. Yes, it's very hot in it. जबरदस्त। चलिए हम एंजॉय करते हैं अपना सूप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। यहाँ पर हम बनाने लगे हैं सी फूड नूडल्स। सी फूड सूपी नूडल्स। अभी पानी बॉईल नहीं हुआ, पानी बॉईल हो जाए तो फिर नूडल्स को भी बॉईल कर देते हैं। मिक्स सी फूड नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है गार्लिक, ये एक गट्ठा गार्लिक हो गया, इसे अच्छी तरह से हमने चॉप कर लिया है। और ये सारा मिक्स सी फूड है हमारे पास। और इसके अलावा इसमें हम जो वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ ब्रोकली है, और ये वाले फ्लैट नूडल्स हम यूज़ करेंगे। और खुश्क मसाला जार आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन कौन से हम यूज़ कर रहे हैं। नूडल्स हम बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है, एक तरफ हम नूडल्स बॉईल कर लेते हैं और दूसरी तरफ अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। लेकिन पहले आपके साथ हम शेयर करते हैं कि हम कौन कौन से खुश्क मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले ऑलिव ऑयल, इसमें हम 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ही पेपरिका पाउडर है, सॉल्ट हसबे जायका जाएगा इसमें, नमक जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से, बाद में भी ऐड कर सकते हैं हम टेस्ट करके। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 सब्ज़ी मिर्चें हमारे पास, उन्हें चॉप कर लिया है। और हमने लिया है यहाँ पर जिंजर और एक लेमन लिया है, लेमन हम इसके अंदर स्क्वीज कर लेंगे। हाँ जी, लेमन हम इसके अंदर स्क्वीज कर लेंगे। बाकी का लेमन हम बाद में डालेंगे। पैन हमने रख लिया है यहाँ पर। यहाँ पर हम सबसे पहले ऑलिव ऑयल जो है हम ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक को फ्राई करने के लिए, सब सोते करेंगे। गार्लिक ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसके अंदर जिंजर ऐड कर दिए, लहसुन अदरक हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे सी फूड। लहसुन अदरक के साथ फ्राई करने से ये होगा कि इसमें अगर थोड़ी सी भी हीट होगी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसके अंदर हमने अब ऐड कर दिया है सिरका, सॉरी सोया सॉस। और ये हमारे पास है ग्रीन चिली सॉस। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हॉट एंड सावर ग्रीन हर्ब्स। और ये हमारे पास है थाई चिली सॉस, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
सी फूड हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्रोकली। नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं इसको, उस टुकड़े से निकाल लेते हैं और जो इसका पानी है वो इसके अंदर ही रहने देंगे। थोड़ी सी हमने इसमें हाफ टी स्पून है इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। अब बारी है ये सॉस जो हमने बनाई थी वो इसके अंदर ऐड करने की। सॉस डालने से इसकी खुशबू जो है मज़ीद एनहेंस हो गई है, इतनी अच्छी और खुशबू आने लग गई है। अब हम इसका बनाएंगे सूप और फिर इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स। फ्राई हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो हमने नूडल्स बॉईल किए हैं इसका जो पानी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है? डेढ़ कप। एक से डेढ़ कप ये ऐड कर देंगे और अगर हमें और ज़रूरत होगी सूप ज़्यादा बनाना होगा तो हम दूसरा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर हम बॉईल कर लेंगे अंडे, हम दो लोग हैं तो यहाँ पर मैं दो अंडे ऐड कर रही हूँ और अगर आप ज़्यादा होंगे तो आप उसी हिसाब से अंडे ऐड कर लेंगे। और इस तरफ जो है हमारा सूप वो बन रहा है। सूप तकरीबन रेडी हो चुका है, अब बारी है इसमें अंडे की सफेदी ऐड करने की। इस तरह अंडे की सफेदी ऐड करते हुए बराबर चम्मच हिलाते रहना है। सूपी नूडल्स हमारे हो चुके हैं रेडी और एग भी बॉईल कर लिए थे, अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं और सर्व करते हैं। लुक एट दिस डिलीशियस सीफूड सूपी नूडल्स, बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। Let's try. Perfect. Noodles bhi try kare na. सूप हमने आज बना लिया है, सूपी नूडल्स, सी फूड मिक्स सी फूड सूपी नूडल्स। अब इसको ट्राई कर रहे हैं कैसा बना। गरम है? परफेक्ट, यस, इट्स वेरी हॉट एंड जबरदस्त। ओके, चलिए हम एंजॉय करते हैं अपना सूप।